Hello students, welcome back to Prepon. These days we are discussing civil disobedience movement. Pichle lecture mein we discussed a few topics in the form of Dandi March, in the form of Lahore session, in the form of Irwin offer. So in 1929 we discussed Irwin gave an offer in which he said it is very much implicit, ye bilkul nihit hai. August 1917 ke ऑफर में ये बिल्कुल निहित है कि आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और इसलिए हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं. बट कांग्रेस ने मीटिंग की है और बोला है कि डोमिनियन स्टेटस की डिटेल्स हम डिस्कस करने को तैयार हैं, किस प्रिंसिपल पे देंगे इसके लिए हम राजी नहीं हैं, हमारी कुछ कंडीशंस हैं, उन्हें मानेंगे तो हम आपके इस दीपावली डिक्लेरेशन को डिस्कस कर सकते हैं. दूसरी बात, इस मीटिंग में कांग्रेस के मेंबर्स ज़्यादा होने चाहिए एंड देयर शुड बी जनरल एमनेस्टी एंड कंसिलिएशन फॉर द पीपल हु हैव बीन अरेस्टेड. ये सब बातें उन्होंने कंडीशन रखी हैं, बट इरविन ने कोई कैसा भी प्रॉमिस करने को नहीं दिया है कि मैं डोमिनियन दे ही दिया जाएगा या आपको ही ज़्यादा मेंबर्स डेलीगेशन में होंगे. बहरहाल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो ऑफर है वो कांग्रेस की तरफ से रिजेक्टेड माना जाता है, अंडरस्टूड है. मीनवाइल एक साल हो जाता है और लाहौर में कांग्रेस सेशन होता है. जवाहरलाल नेहरू बिकेम प्रेसिडेंट. इट वॉज ट्रांसफर ओवर ऑफ द रेंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम ओल्डर गार्ड टू यंगर गार्ड एज मोतीलाल नेहरू वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन कलकत्ता सेशन 1928 एंड नेहरू जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपको जानना है कि इट वॉज नॉट जवाहरलाल नेहरू हु वॉज यू कैन से प्रेफर्ड बाई द प्रदेश कांग्रेस कमेटीज. प्रदेश कांग्रेस कमेटीज से जब इस पर चर्चा हुई थी तो ज़्यादातर प्रदेश कांग्रेस कमेटीज लाहौर सेशन के लिए गांधी जी का नाम ले रही थी. बट इफ इट वॉज फाइनली गांधी जीज डिसीजन दैट जवाहरलाल नेहरू वॉज मेड प्रेजिडेंट ऑफ लाहौर सेशन विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल. एंड देयर इट वॉज डिसाइडेड कि वी आर वर्किंग फॉर पूर्ण स्वराज. और स्वराज शब्द का मतलब अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, अब रिफॉर्म्स वगैरह की लड़ाई नहीं है. और लाहौर कांग्रेस में तिरंगा भी फहराया गया है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन भी पास किया गया है, इंडिपेंडेंस प्लेज की बात की गई है कि आने वाली 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस प्लेज पढ़ेंगे पूरे भारत में, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे. ये सब बातें हुई हैं. उधर गांधी जी फिर एक कोशिश करते हैं कि 11 पर अल्टीमेटम दे देते हैं इरविन को कि आप मेरी 11 पॉइंट बातें मान लीजिए, जिसमें कोई मेजर पॉलिटिकल डिमांड नहीं है बट ये बेसिक फ्रेमवर्क है, स्पेसिफिक ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए, इसके ऊपर चीज़ें बाद में डिस्कस हो जाएंगी बट इसको मान लीजिए तो हो सकता है कि हम स्टेडियम को ना लॉन्च करें. वैसे परमिशन कांग्रेस ने मुझे दे दी है, लेकिन गांधी जी के इस अल्टीमेटम का 40 डेज अल्टीमेटम जो दिया है 11 पॉइंट का जनवरी 31 को, इससे कुछ होने वाला नहीं है. फाइनली गांधी जी वेंट ऑन दांडी मार्च. 12 मार्च 1930 को निकल पड़ते हैं सत्याग्रह आश्रम से टू दांडी या विलेज इन नौसारी. सॉल्ट सत्याग्रह से कह देते हैं. सॉल्ट गांधी जी ने इसलिए चुना है कि सॉल्ट से सब अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे शहरों में रहते हों या रूरल एरियाज में रहते हों, गाँव में रहते हों या शहरों में रहते हों, अमीर हों या गरीब हों. और सॉल्ट का कोई डिवाइसिव कॉम्पोनेंट भी नहीं है कि सॉल्ट जमींदारों के खिलाफ है या इंडस्ट्रियलिस्ट या मजदूरों के बीच में लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है. अंग्रेजों की सॉल्ट मोनोपोली को तोड़ना है. ये सारे फायदे देखते हुए गांधी जी ने ट्रंप कार्ड बनाया है सॉल्ट को. सॉल्ट हैड बिकम गवर्नमेंट्स मोनोपोली. दांडी मार्च में वो 5 अप्रैल को दांडी पहुंच जाते हैं गुजरात से होते हुए, जहां काफी लोगों ने उनका साथ दिया है. महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं. सरोजनी नायडू उनके साथ हैं और कमला देवी चट्टोपाध्याय कहती हैं, आप सारी कामों के लिए मेन को प्रेफर करते हैं, लेट वीमेन कम फॉरवर्ड एंड डू द प्रोटेस्ट. तो शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट. गांधी जी का बहुत लोगों ने साथ दिया है, खादी पे बहुत काम किया है, लोगों ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी हैं, शामिल होते जा रहे हैं. दिस वे दे कुड रीच दांडी. और 6 अप्रैल की सुबह गांधी जी ने ही जस्ट टुक फिस्ट फुल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द दांडी कोस्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट. दैट वॉज द सिम्बॉलिक यू कैन से डिफाइंस ऑफ सॉल्ट लॉ, हेंस कॉल्ड सिविल डिसओबीडियंस. एक सिविल कानून का उल्लंघन किया गया था. और कहीं किताब में पढ़ा कि 1600 रुपये में ये ऑक्शन हुआ था गांधी जी का बनाया हुआ एक
सॉल्ट जो उन्होंने बस उठा लिया था डांडी डांडी कोस्ट से। पूरे भारत में इलीगल सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है और सॉल्ट मार्चेस पूरे भारत में होने लगती हैं। गांधी जी और भी बायकॉट के तरीके सब बता देते हैं, चाहे स्कूल कॉलेज छोड़ना हो या लिकर शॉप्स की पिकेटिंग करनी हो, फॉरेन शॉप्स का सामान जो बेच रहे हैं उनकी पिकेटिंग करनी हो, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स गॉट स्टार्टेड और भारत में सॉल्ट मार्चेस रियल और सिम्बॉलिक होने लगती हैं। ऐसे में तमिलनाडु में राजगोपालाचारी भी एक सॉल्ट मार्च करते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। ऐसे के केलप्पन भी केरला में सॉल्ट मार्च करते हैं, गोविंद बल्लभ पंत जवाहरलाल नेहरू भी यूपी में एक सॉल्ट मार्च निकालते हैं। दिस वे वेरियस सिम्बॉलिक और रियल सॉल्ट मार्चेस स्टार्टेड ऑल ओवर इंडिया एंड द मूवमेंट गॉट स्टार्टेड बाई अप्रैल। इन अप्रैल बहुत सारे लीडर्स अरेस्ट हो जाते हैं और मई में गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। सो गांधी जी वॉज अरेस्टेड आफ्टर डांडी मार्च एंड वेरियस रिएक्शंस केम इन टू बींग। तो अब देखते हैं कि डांडी मार्च होने के बाद, ये पहला इवेंट था सी डी एम का, तो क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो आज हम सी डी एम का पार्ट टू करते हैं और इसमें तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैटर्न, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो लेट अस सी। तो रिएक्शन गवर्नमेंट का क्या रहा, जब ये पूरे बड़े चरम पर जब ये सॉल्ट मार्च मूवमेंट शुरू हो गया था डांडी मार्च के जरिए, तो पूरे बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया है और उसको कर्व करने के लिए सरकार ने बहुत सारे अध्यादेश जारी किए हैं। All sorts of restrictions were imposed. Jails were filled with congressmen and women. Lathi blows rained upon demonstrators. ये sentences इसलिए गए हैं कि आपको character बताया जा सके किस level पे Congress government repress कर रही है इस movement को जो अपने चरम की तरफ बढ़ता हुआ है। Not only this, government ने ordinances भी जारी किए हैं, actions लिए हैं। Press ordinance 27 अप्रैल को जारी कर दिया है, न्यूज़पेपर नेशनलिस्ट प्रेस पे बार लगा दी है। जो 1910 में प्रेस एक्ट पास हुआ था जब टेररिस्ट मूवमेंट काफ़ी बड़े स्तर पे होने लगा था, तो उसको अब ये बना दिया गया है। सब बहुत सारे अखबार वगैरह प्रिंटिंग प्रेसेस क्लोज डाउन कर दी गई हैं। मई आते आते सारे बड़े लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए हैं। कांग्रेस के साथ साथ ऑल ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दिए गए हैं। कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल आफ्टर डांडी मार्च। तो ये सारे गवर्नमेंट ने सारे सप्रेसिव एक्शंस लिए हैं डांडी मार्च के बाद। उधर डांडी मार्च या सीडीएम की सक्सेस को देखते हुए तुरंत गवर्नमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घोषणा कर देती है कि जल्दी ही होने जा रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन पार्टीज आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशंस हो रही हैं, कांग्रेस यहाँ पर बखूबी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रही है, सक्सेसफुली चला रही है। लेकिन कुछ सेक्शंस हैं नेशनल मूवमेंट के, जैसे लिबरल्स हैं, हिंदू महासभा के एम आर जैकर हैं, ये सब चाह रहे हैं किसी तरीके से कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेशन सभी का हो, इससे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ निकलेगी। बट कांग्रेस इज नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज यू नो कि रिविंद ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया था कि जो कंडीशन रखी थी कि हमारे मेंबर्स ज़्यादा होने चाहिए और डोमिनियन देने की बात करिए, इससे नीचे बात नहीं होगी, तो जिस पे एडविन ने भी प्रॉमिस नहीं दिया था। और जब बिना कांग्रेस के मूवमेंट कॉन्फ्रेंस होने लगती है तो सभी जान गए थे कि नो नेगोशिएशंस कुड बी सक्सेसफुल विदाउट द कांग्रेस। बिना कांग्रेस के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी काफ़ी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। गवर्नमेंट वॉज बिजी टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस responding to the overtures of the government and persuasion of the liberals. Government पूरी कोशिश कर रही है, liberals भी चाह रहे हैं कि liberals हमेशा constitutional path पे चलना चाहते हैं। Congress placed certain preconditions for the RTC, which included recognition of India's right to secede at will. अलग होने का हमें अधिकार दीजिए और fully responsible government both in provinces and center. इन दो बातों पे तो कुछ बात बताइए तो हम सोच सकते हैं, but गवर्नमेंट ऐसी किसी कंडीशंस को मानने को तैयार नहीं है और बिना कांग्रेस के भी गवर्नमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू कर देती है। दिस वे ऐसे मौके बीच में आए जब कांग्रेस से बात हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट भी बिल्कुल भी बज करने को तैयार नहीं है, हिलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस भी बिल्कुल मूवमेंट को सक्सेसफुली चला रही है। इस तरीके से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक होने लगती है। ये डेट्स याद रखिएगा, कभी कभी क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ये जो सीडीएम का पीरियड है 1930 से 1940,
या आई मीन 1934, यहाँ बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं और कई बार इनको क्रम में लगाने का क्वेश्चन आ जाता है, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन. सो बी अटेंटिव. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज वन पर थ्री सेशंस वर हेल्ड, हेंस कॉल्ड फर्स्ट सेशन, थर्ड सेशन, सेकेंड सेशन, थर्ड सेशन. लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते थे. आरटीसी एक ही थी, तीन बार मीटिंग हुई थी. तो पार्टिसिपेशन लिबरल्स में गए थे सी वाई चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू. मुस्लिम्स में एक लंबा कंटिंजेंट गया है, आगा खान गए हैं, मोहम्मद शफी गए हैं, मोहम्मद अली गए हैं, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना. ये डिफरेंट मुस्लिम्स के शेड्स ओपिनियंस देने के लिए गए हैं. सिखों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरदार संपूर्ण सिंह. हिंदू महासभा जो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी हरिद्वार में, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम आर चेकर एंड बी एस मुंजी. डिप्रेस क्लासेस को बी आर अम्बेडकर प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं. इंडियन क्रिश्चियंस में के टी पॉल हैं. और एक बिजनेस डेलीगेशन भी गया है, ब्रिटिश एंड एंग्लो इंडियन बिजनेस डेलीगेशन, प्योरली इंडियन नहीं गया है यहाँ पर. और एक बहुत बड़ा कंटिंजेंट राजा महाराजाओं का भी गया है, 16 मेंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस रूलर्स एंड देयर नॉमिनीज लाइक पटियाला, बड़ौदा, बीकानेर, हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर. थे ऑल्सो इट वॉज वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द प्रिंसली स्टेट्स. 40% ऑफ इंडिया वॉज इन द प्रिंसली स्टेट्स एक्सेप्ट कांग्रेस. कांग्रेस बायकॉटेड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिकॉज द ब्रिटिश वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट वेरी स्मॉल कंडीशंस ऑफ कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो कांग्रेस नहीं है. और एक ऑथर लिख देते हैं कि बिना कांग्रेस के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराने का मतलब है कि बिना राम के रामलीला ऑर्गेनाइज की जा रही हो. इस वे में लिखा गया उस समय कि बिना कांग्रेस के तो रामलीला ऐसा है जैसे कि राम के बिना रामलीला हो रही हो. मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कुछ फैसला होना नहीं है. कांग्रेस जैसी पार्टी जिस मीटिंग में नहीं होगी वहां भारत का फैसला संभव ही नहीं है. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कॉन्फ्रेंस इंक्लूडेड सम प्रोमिनेंट ल्यूमिनरीज एंड रूलर्स, ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी बताया, दिस वॉज अ गैदरिंग ऑफ मैन हु कुड नॉट बी कंसिडर्ड रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपुल. जितने लोग पहुंचे हैं ये भारतीयों को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव हैं ही नहीं. इन स्पाइट ऑफ दिस हैंडीकैप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिफॉर्म्स कॉन्फ्रेंस टुक टू पॉजिटिव पॉइंट्स. दो फेवर में कॉन्फ्रेंस, दो पॉजिटिव पॉइंट्स की फेवर में कॉन्फ्रेंस एंड अप होती है. एक तो हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने को तैयार हैं, एक भारतीय महासंघ बनेगा जिसमें प्रोविंसेस होंगी और रियासतें होंगी. 60% भारत प्रोविंसेस में बटा है जिन्हें अंग्रेज सीधे चलाते हैं, और 40% भारत रियासतों में है. तो इनका हम एक महासंघ बनाने को तैयार हैं. दूसरा, हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर बनाएंगे. मतलब जो सरकार है वो लेजिस्लेचर को अनस्टेबल होगी, लेकिन इसके साथ साथ सरकार के पास कुछ स्पेशल पावर्स होंगी जिनके लिए वो पार्लियामेंट को अनस्टेबल नहीं होगी फॉर द ट्रांजिशनल पीरियड. और ये ट्रांजिशनल पीरियड क्या है, मतलब वो कब ऐसा करेंगे, ये बताया बताया नहीं गया है. तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होती है. कुछ और भी बातें बताई गई हैं. उधर एक माइनॉरिटीज कमेटी भी बनी है. माइनॉरिटीज कमेटी में जितनी माइनॉरिटीज हैं, डिप्रेस क्लासेस हैं, सिख हैं, इंडिया क्रिश्चियंस हैं, यूरोपियंस हैं, ये अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता है. विद क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स मुस्लिम्स एंड सिख्स विद अपोजिशन फ्रॉम हिंदू महासभा. मुस्लिम्स को पंजाब और बंगाल में 50% सीटें नहीं दी जाएंगी, हिंदू महासभा अपोज कर रही है. सिख भी अपोज कर रहे हैं कि पंजाब में मुस्लिम्स को ज़्यादा सीटें नहीं दी जा सकती, बल्कि हमको 30% सीटें वहाँ की विधानसभा में दी जाएं, जबकि सिख नंबर में काफ़ी कम है. बहरहाल, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग एंड सिख, वो जो माइनॉरिटी क्लॉज है उसमें आपस में उलझे हुए हैं. मतलब ये एक बहुत बड़ी इशू थी, कम्युनल प्रॉब्लम भारत की, जो 1928 से लेकर 1947 तक कई बार ये जो इशू है ये इंडिया के अच्छे सॉल्यूशन को रोकेगी. कई बार ऐसा होगा, यहाँ भी ऐसा ही हुआ है. माइनॉरिटीज कमेटी किसी मुद्दे पर नहीं आती है, हिंदू महासभा बिल्कुल लीग को ज़्यादा अख्तियार देने के तैयार नहीं है. एंशियस टू सिक्योर कांग्रेस पार्टिसिपेशन प्राइम मिनिस्टर, अब ये मीटिंग हो गई है लेकिन कांग्रेस के बिना फैसला हो नहीं पा रहा है. और जो प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड है, जो 1929 में लेबर गवर्नमेंट के साथ बन गया था प्राइम मिनिस्टर, उसने फिर बोला है कि वाइसराय को कि ठीक है, दे शुड बी रिलीज्ड और इनके साथ बात की जाए कि दे शुड पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. दिस वे बाई जनवरी 1931 गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर रिलीज्ड टू डिलिब्रेट ऑन द कंडीशंस ऑन विच कांग्रेस कुड पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस.
Meanwhile, Madan Mohan Malviya, Tej Bahadur Sadhguru, Srinivas Shastri, they all just created the system of, you can say, whereby talks could be held between Gandhiji and Viceroy. वो सारे हालात पैदा करते हैं किसी तरीके से कांग्रेस इस मीटिंग में शामिल हो जाए तो बात बन सकती है, और वो हालात पैदा करते हैं कि कांग्रेस और वायसराय इरविन के बीच में कोई बातचीत होने लगे, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कांग्रेस लीडर्स एंड विड्रॉवल ऑफ बैन ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो जो बैन लगा दिया था डांडी मार्च के मूवमेंट सीडीएम के शुरू के फेज में, वो हटा दिया जाता है। इस तरीके से शुरू हो जाती है 2 महीने में गांधी इरविन टॉक्स, और पास होता है गांधी इरविन पैक्ट। दिस वे जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई कंक्लूसिव इफेक्ट नहीं आता है, और कांग्रेस के बिना होना भी नहीं था, तो इस तरीके से फिर परसुएट किया जाता है कांग्रेस को कि आप बात तो कीजिए, वायसराय से बात के हालात पैदा किए जाते हैं, और फिर इस तरीके से गांधी जी इज रेडी टू टॉक टू वायसराय। 25 जनवरी को गांधी जी को रिलीज कर दिया गया है। गवर्नमेंट विड्रू प्रोविजन ऑफ इलीगलिटी अगेंस्ट कांग्रेस वर्किंग कमेटी। फरवरी टू मार्च 1931 लॉर्ड इरविन एंड गांधी मेट इन अ सीरीज ऑफ टॉक्स एग्रीमेंट रिलीज्ड ऑन 5th ऑफ मार्च। इसे कहते हैं जो 20 फरवरी से 5 मार्च तक जो टॉक्स चली थी, इन्हें कहते हैं गांधी इरविन टॉक्स, और पास हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। तो अब ये क्या है देख लेते हैं। तो दिस वे वी कैन सी कि सीडीएम इज गोइंग ऑन, वहां पर सीडीएम चल रहा है, और गांधी जी को परसुएट किया जाता है कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाइए। गांधी इरविन पैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है गांधी इरविन टॉक्स। दिस वॉज हेल्ड इन राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन अभी अभी हाल फिलहाल में बनके तैयार हुआ है। इरविन ने इसको इनॉग्रेट किया है। सो द फर्स्ट वायसराय हु लिव्ड इन राष्ट्रपति भवन, उस समय वायसराय पैलेस या वायसराय की लॉज कहते हैं, इट वॉज इरविन। और दिस वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट विच टुक प्लेस इन राष्ट्रपति भवन। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति भवन में पहला पॉलिटिकल इवेंट कौन सा हुआ था, आप बोलेंगे गांधी इरविन टॉक्स, गांधी इरविन वार्ता हुई है। 20 फरवरी 1931 को शुरू हुई है और 5 मार्च को कंक्लूड हो जाएगी। तो गांधी जी ने अपने पॉइंट्स रखे हैं, इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड फॉर वायलेंस। ये गांधी जी के पॉइंट हैं। जितने लोगों को आपने मूवमेंट की वजह से अरेस्ट किया है उन्हें तुरंत छोड़ दीजिए, सिवाय उनके जिनके ऊपर कोई बड़ी वायलेंस का चार्ज नहीं है। रेमिशन ऑफ ऑल फाइन्स येट नॉट कलेक्टेड। जितने लोगों पर फाइन लगाए हैं गए हैं, जिनसे नहीं लिए गए हैं, उनको वापस कीजिए। रिटर्न ऑफ कन्फिस्केटेड लैंड नॉट सोल्ड टू थर्ड पार्टी। जो लोगों की ज़मीनें जब्त की हैं आपने, यदि वो किसी को आगे बढ़ाकर बेची नहीं गई हैं तो उन्हें वापस की जाए। जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने भाग लिया है मूवमेंट में उनके साथ लीनियंट ट्रीटमेंट किया जाए, और जिन्होंने रिजाइन कर दिया था उनके साथ लीनियंट ट्रीटमेंट किया जाए। बहुत सारे लोगों ने डांडी मार्च के दौरान सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया था। गवर्नमेंट को राइट टू मेक सॉल्ट फॉर कंजम्पशन टू विलेजेस अलोंग द कोस्ट एंड टू परमिट पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर ओपीएम एंड फॉरेन क्लोशर। जितनी भी दुकानें लोग फॉरेन सामान बेच रहे हैं, गांजा ओपीएम बेच रहे हैं, लिकर बेच रहे हैं, इसको घेराव की परमिशन दी जाए पीसफुली नॉन एग्रेसिव, और जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ लोगों को सॉल्ट की परमिशन दे दी जाए। जितने आपके इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेज हैं जो आपने पाबंदियां लगाई हैं इन्हें तुरंत वापस लिया जाए। गांधी जी कहते हैं कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जो पुलिस एक्सेसेस हुई हैं, लोगों के ऊपर ज़ाब्तियाँ हुई हैं, उसकी इंक्वायरी की जाए, उसको इरविन ने नहीं माना है, लेकिन गांधी जी की इंसिस्टेंस रिक्वेस्ट पर उसको एग्रीमेंट में ले लिया गया है। बट माना है जाता है कि पुलिस एक्सेसेस की इंक्वायरी के लिए इरविन राजी नहीं हुआ है। कांग्रेस इरविन ने बोला है आपको क्या करना है, आपको सीडीएम को डिसकंटिन्यू करना है, साथ साथ आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है। ये इस तरीके से हो जाता है, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के सेंटेंस पे गांधी जी ने बात छेड़ी है, बट इरविन किसी भी तरीके से यील्ड करने को तैयार नहीं है। तो इट वाज द लास्ट एफर्ट, गांधी इरविन टॉक्स यू कैन से, और द लास्ट एफर्ट टू सेव द लाइफ ऑफ भगत सिंह। जो बड़ा एफर्ट था वो ये गांधी इरविन टॉक्स था, क्योंकि 5 मार्च को ये कंक्लूड हुआ है और 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पर भगत सिंह के सेंटेंस पे कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया है।
ये था गांधी इरविन टॉक्स। बहुत सी बातें मान ली है इरविन ने, बहुत सी बातें नहीं मानी है। ये जितने पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एनालिसिस ऑफ द फैक्ट। द CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी वॉज डिवाइडेड व्हेन इट मेट ऑन 5 मार्च 1931 टू डिस्कस द रिजल्ट ऑफ द टॉक्स। मैनी पीपुल हेल्ड इट एज विक्ट्री बिकॉज वायसराय हैड टू नेगोशिएट द सेटलमेंट ऑन द इक्वालिटी। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीयों को बराबरी के दर्जे पर बात की है भारतीयों से अंग्रेजों ने। ये किसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, कुछ हैप्पी भी नहीं है। गांधी जी एग्रीड टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मोर और लेस ऑन द ब्रिटिश टर्म्स इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू हिज स्टैंड अप टिल एंड ऑफ जनवरी 1931। जब उनको रिलीज कर दिया गया तब भी उन्होंने कहा था कि आप इस पे एश्योर करिए कि आप हमको डोमिनियन देंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, प्रोविंसेस में भी देंगे, उसमें भी देंगे, सेंटर में, तभी मैं आऊँगा। लेकिन अब गांधी जी ईल्ड कर गए हैं। क्यों ईल्ड कर गए अभी डिस्कस करते हैं। अब वो RTC में पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं। इवन गांधी जी इज रिक्वेस्ट फॉर रेमिटिंग द डेथ सेंटेंस ऑफ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बॉस टर्न डाउन। ये मैंने आपको भी बताया था। गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए राजी हो जाते हैं। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है इसका। गांधी जी अप्रिशिएटेड द पैक्ट बिकॉज ऑफ इट्स सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस अदर देन स्पेसिफिक कंसेशंस। हमें क्या मिला है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ये है कि अब हम बराबरी के दर्जे पर सरकार से बातचीत कर रहे हैं। द वायसराय हैड नेगोशिएशंस विद हिम ऑन इक्वल टर्म्स। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहली बार बराबरी के दर्जे पर अगर कांग्रेस के साथ अंग्रेजों ने बात की है तो वो गांधी इरविन टॉक्स था। गांधी जी सॉ इन दिस अ चेंज ऑफ हार्ट वेयर एज विंस्टन चर्चिल इक्वली अवेयर ऑफ दिस सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पैक्ट डिप्लोर्ड इट एज अ डिसग्रेसफुल वर्डिंग ऑफ ब्रिटिश प्रेसिडेंट। लेकिन ये जो बराबरी के दर्जे पर बात की है इसको चर्चिल इसके लिए हैप्पी नहीं है। गांधी जी उसको ऑब्वियसली मान रहे हैं कि यस बराबरी के दर्जे पर हुआ है। गांधी जी ने इसलिए मूवमेंट कुछ समय के लिए रोक दिया है क्योंकि वायलेंस बढ़ने लगी है। वायलेंस बढ़ने लगी है और वायलेंस बढ़ेगी तो मूवमेंट नहीं चल पाएगा। वैसे भी बड़े मूवमेंट्स के बीच में, ये आप कहीं भी सेंटेंस को कोट कर सकते हैं, बड़े मूवमेंट्स के बीच में एक्स्ट्रा लीगल मास स्ट्रगल, यू कैन से जो मूवमेंट्स होते हैं इनमें जितनी एक्स्ट्रा लीगल मास स्ट्रगल्स होती हैं इनकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए बीच में लोगों का सेक्रीफाइस करने का, बड़े लंबे मूवमेंट्स को फॉलो करने की एंड्योरेंस, ताकत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो बीच में छोटे छोटे ट्रूसेस या छोटी छोटी ब्रीदर्स लिए जाते हैं ताकि अगर बहुत लंबे बड़े बड़े मूवमेंट लंबे समय तक एक ही पेस पे चलेंगे तो लोग अपना आपा खोने लगते हैं। सेक्रीफाइस या तो लोग पीछे लौटने लगेंगे या वायलेंस पे उतर आएंगे। गांधी जी देखने लगे थे कि सितंबर 1930 तक आते आते लोगों का जो पेस है, उनका मोमेंटम है, वो स्लो होता जा रहा है। लोग अपनी दुकान सामान बेचने लगे हैं, अंग्रेजी सामान भी खरीदने लगे हैं, उधर लोगों का पार्टिसिपेशन भी कम होता जा रहा है, सरकार भी लोगों को अरेस्ट करती जा रही है। तो गांधी जी ने ये देखने में आ रहा था कि बहुत लंबे समय तक CDM को पहला फेज जो था नहीं चला सकते थे हम, इसलिए देखते हैं बातचीत से कुछ रास्ता निकल आए। इसलिए गांधी जी ने ये बीच में मूवमेंट को रोका है। गांधी इरविन टॉक्स को कंक्लूड करने का मतलब या CDM को रोकने का मतलब ये नहीं था कि गांधी जी किसी प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर रहे हैं। एक ब्लेम ये लगाया जाता है कि जो बिजनेस क्लास थी, जो पूंजीवादी थे, बायकॉट की वजह से पूंजीवादियों का बिजनेस का नुकसान हो रहा था और पूंजीवादी कांग्रेस को अब फोर्स करने लगे थे कि मूवमेंट बंद कीजिए, हमारा नुकसान हो रहा है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कैपिटलिस्ट क्लास अभी इस समय इतनी पावरफुल नहीं हुई है, ना तो वो पावरफुल थी ना वो यूनाइटेड थी कि वो इतने बड़े मूवमेंट को वापस करवा सके। तो इट वॉज गांधी जी स्ट्रेटेजी कि बड़े बड़े मूवमेंट लंबे तब चल पाते हैं जब बीच बीच में उनको हम वापस लेकर कुछ समय शांति ले लें, तभी हम उसे लंबे समय पर कर पाएंगे, क्योंकि लोगों की बड़े मूवमेंट को चलाने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हैंज गांधी जी वेंट फॉर टॉक्स। बीच में एक शांति का पीरियड आ जाए, बात बनेगी तो ठीक है, वरना फिर रिज्यूम कर लेंगे। रिएक्शंस क्या होते हैं। CDM had died a sudden death, ending not with a bang but a whimper. लोगों ने अपने अपने हिसाब से कहा है। Many felt dismayed by the unexpected halt. Long before attaining the proclaimed goal of Pur Swaraj, the peasants who had sacrificed land and goods at the Congress behest felt particularly down. मतलब सभी लोग खुश नहीं हैं। Peasants जो land उनके हाथ से चली गई है, सामान सफर किया है, they are not happy.
इवन जब मार्च 1931 में कराची सेशन हुआ है, तो गांधी जी को ब्लैक फ्लैग्स भी दिखाए गए हैं, पर्टिकुलरली कि भगत सिंह की डेथ उस समय तक हो चुकी है। तो ये 1931 में कराची सेशन हुआ था। तो दिस वे इट वॉज अ मिक्सड रिएक्शन, नॉट एवरीबडी वॉज हैप्पी, स्टिल समबडी वर हैप्पी दैट देयर लीडर्स हैड बीन ट्रीटेड ऑन इक्वल, यानी बेसिस ऑफ इक्वलिटी। तो मिक्सड रिएक्शन था। इस तरीके से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात बनने लगती है, और अगस्त 1931 में गांधी जी सेल कर जाते हैं टू इंग्लैंड टू टेक पार्ट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी तीनों की तीनों, और रैमसे मैकडोनाल्ड चेयरमैन उनका रहा था, बीइंग द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो होती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 टू दिसंबर 1931। कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि गांधी जी, यूपी टाइप एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट सर्विसेज में, गांधी जी किस पानी के जहाज पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, आपका आंसर होगा SS राजपूताना। ऐसे क्वेश्चंस छोटे एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो द शिप ऑन विच ही वेंट टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज SS राजपूताना। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है और गांधी जी को वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टिसिपेट करे, तो गांधी जी का नाम दिया गया है, एंड गांधी जी वॉज नॉमिनेटेड एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो होती है सेकेंड RTC। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट स्टैंड डिड नॉट शो मच चेंज, गांधी जी एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड RTC आफ्टर कंक्लूडिंग इरविन पैक्ट, जी मैंने आपको बता दिया। बाय दिस टाइम रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म वॉज फुल इन फुल स्विंग एंड द कम्युनिस्ट वर ऑर्गेनाइजिंग लेबर स्ट्राइक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि वायलेंस, सम सॉर्ट ऑफ वायलेंस हैड स्टार्टेड, कम्युनिस्ट मूवमेंट अपने चरम पे आ रहा था, लेबर स्ट्राइक्स होती जा रही थी। 1929-30 लेबर अनरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड हुआ करता था। ऐसे में गांधी जी एप्रिहेंसिव होके कि कहीं अराजकता ना हो जाए, वो तुरंत इरविन के साथ पैक्ट साइन कर लेते हैं, मूवमेंट को किसी और दिशा में ना चला जाए, हमारा सारा एफर्ट बेकार हो जाएगा, तो बीच में कुछ शांति का माहौल बना देते हैं। कांग्रेस सस्पेंडेड द CDM एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट गांधी जी वुड बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने मीटिंग की है राउंड टेबल, इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, इसको दिल्ली पैक्ट। सुभाष चंद्र बोस इसके फेवर में नहीं थे, बहरहाल ये होता है। और गांधी जी वॉज द, और याद रखेंगे, गांधी जी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस रीइटरेटेड पूर्ण स्वराज एट इट्स अल्टीमेट गोल, कांग्रेस अपने पूर्ण स्वराज के नारे पे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गई है। मीन वाइल ऑन 26 अगस्त 1931 मैकडोनल्ड्स लेबर कैबिनेट रिजाइंड एंड ए न्यू कोलिशन गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाई कंजरवेटिव वॉज फॉर्म्ड अंडर हिम। मतलब 1929 में जो लेबर गवर्नमेंट बनी थी अंडर रैमसे मैकडोनाल्ड, उसे रिजाइन करना पड़ता है और एक कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है, अगेन प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड ही है, लेकिन वो अब ये कोलिशन गवर्नमेंट है। इधर वेलिंगटन सक्सीडेड लॉर्ड इरविन इन दिल्ली, अप्रैल 1931 में इरविन की जगह अब बन गया है वेलिंगटन। तो गांधी जी जब गए हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेकंड में, तो वेलिंगटन हैड बिकम द, यू कैन से, द वाइस रॉय ऑफ इंडिया, एंड ही वॉज मोर, यू कैन से, रिप्रेशन सप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा जाना गया है वो। तो दिस वॉज द सिचुएशन एट दैट टाइम। उधर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बदल गया है, जो इंडिया के फेवर में काम नहीं करता था। तो सारा चेंज हुआ है। जो लेबर गवर्नमेंट थी, जो लेबर गवर्नमेंट इंडिया के फेवर की बात करती थी, अब वो लेबर गवर्नमेंट नहीं रही है, कोलिशन गवर्नमेंट हो गई है कंजर्वेटिव पार्टी के साथ। उधर वेलिंगटन भी आ गया है, इरविन बात सुन लेता था, वेलिंगटन ज़्यादा सप्रेसिव है, और उधर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी चेंज हो गया है। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द फर्स्ट सेशन रिटर्न टू अटेंड द सेकेंड सेशन, वो सब के सब रिपीट हुए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ नए लोग भी गए हैं। गांधी जी वॉज फ्रॉम कांग्रेस, मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा कंपोज किया था वो भी गए थे, मदन मोहन मालवीय भी गए हैं, सरोजनी नायडू वॉज ऑल्सो देयर, शी वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडियन वीमेन। आप याद रखेंगे मैंने आपको बोला गांधी जी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस, देन हाउ कम नायडू वॉज देयर, नायडू वॉज पार्ट ऑफ कांग्रेस, बट देयर नायडू वॉज इन गांधी, देयर शी वॉज प्रेजेंट इन द कैपेसिटी ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन वीमेन नॉट एज ए पार्ट ऑफ कांग्रेस। कैपिटलिस्ट जी डी बिरला वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। याद रखेंगे सेकेंड मीटिंग में पूंजीवादी भी गए हैं, कैपिटलिस्ट भी गए हैं। एस के दत्ता, अब प्रोमिनेंट क्रिश्चियन एस के दत्ता गए हैं, उधर के टी पॉल थे पहली वाली में। सो दीज पीपल वर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। बाकी मोहम्मद अली जिन्ना एंड ऑल दीज पीपल अगेन दे रिपीटेड। तो होती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डेलिब्रेशंस होते हैं। कांग्रेस स्कीम टेबल्ड बाय गांधी वॉज द सेम एज हैड बीन सजेस्टेड अर्लियर बाय नेहरू कमेटी। गांधी जी तो नेहरू कमेटी की रिपोर्ट पे ही बात करना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली यू नो मल्टीपल पार्टी के लोग हैं और कॉन्ट्रेरी ओपिनियंस के साथ बैठे हैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस वर बॉग्ड डाउन बाय कम्युनल इशूज। कम्युनल इशू ने बहुत हालात बिगाड़े हैं। उधर बोला गया था ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगी, ऑल इंडिया फेडरेशन में हो सकता है कांग्रेस का सेंटर स्ट्रांग हो जाए, प्रिंसेस वगैरह भी वहां पर अपनी ताकत खो बैठेंगे। गांधी जी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कम्युनल प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लेक्स दैट इट डिफाइड ऑल इमीडिएट सॉल्यूशंस। गांधी जी का कहना था पहले हम पॉलिटिकल मोटिव्स पे काम कर लेते हैं, फीचर्स पे काम कर लेते हैं, उसके बाद कम्युनल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग और बाकी पार्टियां कहती थी पहले कम्युनल प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब संविधान की बात होगी। गांधी जी सजेस्टेड दैट द कम्युनल सेटलमेंट बी केप्ट पेंडिंग टिल द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट हैड बीन अराइव्ड एट। पहले संविधान की बात कर लेते हैं, उसमें कम्युनल प्रॉब्लम को हम सेटल कर लेंगे। द सजेशन नॉट ओनली डिसप्लीज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द माइनॉरिटीज बट इवन हार्डेंड देयर एटीट्यूड। द मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेटिव्स इंसिस्टेड ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मतलब यहां पर यह भी बात तय हो गई है कि जो 1927 में जिन्ना ने कहा था, आपको याद होगा मैंने बताया था, नेहरू रिपोर्ट वाला लेक्चर देखिएगा, जिन्ना ने यह बोला था कि ठीक है हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट के लिए आज़ादी हो जाएंगे, मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन नहीं चाहिए, बट अगर पंजाब बंगाल में हमको 50% सीट दे दी जाए और 1/3 सीट्स हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट में सुरक्षित कर दी जाए, तो उसके लिए जिन्ना एंड मुस्लिम्स वर रेडी, बट हिंदू महासभा वॉज नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ एंगेजमेंट विद द मुस्लिम लीग। सो इट वॉज हिंदू महासभा हु स्पॉइल्ड ऑल द एफर्ट्स इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और जब ऐसा होता है तो मुस्लिम लीग भी अपना स्टांस बहुत हार्डेंड कर लेती है। तो कम्युनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है, काउंटर डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा कम्युनल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ओनली आफ्टर वी आर सॉल्विंग ऑल द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, उनको हम तय कर लेते हैं, उसमें कम्युनल प्रॉब्लम हम तय कर लेंगे। लेकिन लीग या और जो बॉडीज है वो कह रही है नहीं, पहले उस पर निर्धारण कीजिए। दस सेकेंड सेशन कंक्लूडेड इन द एटमोसफियर ऑफ बिटरनेस एंड एंग्जाइटी। यहाँ भी कुछ बात होती दिखाई नहीं दे रही है। माइनॉरिटीज इशू, सेपरेट इलेक्टोरेट्स बींग डिमांडेड नाउ नॉट ओनली बाई मुस्लिम्स बट ऑल्सो बाई डिप्रेस क्लासेस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो 1926 से काफी एक्टिव हो गए थे दलित इशू को लेकर, डिप्रेस क्लास के इशू को लेकर, तो वो बहुत एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने काफी बॉडीज भी बना ली हैं। तो वो कहते हैं जैसे मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन दिया गया है, उनका कहना है कि जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं आएगी तब तक सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाएगा। जिसके पास पॉलिटिकल पावर है उसकी बात सुनी जाती है। तो ही वॉज ऑल्सो आस्किंग फॉर सेपरेट इलेक्ट्रेट। सिमिलरली इंडियन क्रिश्चियंस आर आस्किंग, एंग्लो इंडियंस आर आस्किंग, यूरोपियंस आर आस्किंग, ऑल दीज ग्रुप्स केम टूगेदर इन अ माइनॉरिटीज पैक्ट फॉर ज्वाइंट एक्शन। ये सब मिलके अपने लिए विशेष अधिकार मांग रहे हैं। महासभा डेलीगेट्स हु अलॉन्ग विद सिख बिटरली अपोज्ड एनीथिंग दैट कुड गिव मेजोरिटी टू मुस्लिम्स इन पंजाब। सिख कहते हैं हमको पंजाब विधानसभा में 30% सीटें चाहिए, जबकि सिखों की पॉपुलेशन वहाँ 11% है। मुस्लिम्स वहाँ पर 50% चाहते हैं, हिंदू महासभा बिल्कुल भी मुस्लिम्स को 50% देने को तैयार नहीं है। ओब्वियसली काउंटर मोटिव्स पे काम हो रहा है। गांधी जी अगेंस्ट द कंसर्टेड मूव टू मेक ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस कंडीशनल ऑन ए सॉल्यूशन टू कम्युनल प्रॉब्लम। वही मैंने आपको बताया था, गांधी जी ने कोशिश की है बट बात नहीं बन पा रही है। द सॉल्यूशन ही आर्गुड वुड बी द क्राउन ऑफ द स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इट्स फाउंडेशन। मतलब कम्युनल प्रॉब्लम को हम अपने स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन का क्राउन बनाएंगे, मुकुट बनाएंगे, उसे आधार नहीं बनाएंगे। आधार बनाएंगे तो फिर संविधान सही नहीं बनेगा, इसलिए संविधान बन जाए उसमें हम इसको मुकुट बनाएंगे, इसे उसका क्राउन बनाएंगे कि किस तरीके से हमने उस संविधान में इंक्लूड किया है कम्युनल इश्यूज को भी और सबके फायदे देखे हैं। लेकिन नोबडी इज रिलेंटिंग। गांधी इवन ऑफर्ड टू एक्सेप्ट ऑल मुस्लिम क्लेम्स प्रोवाइडेड दे सपोर्टेड द कांग्रेस डिमांड फॉर स्वराज। अगर ठीक है आपकी बात मानी जा सकती है, आप कांग्रेस स्वराज की बात कीजिए, बट अगेन
हिंदू महासभा एटसेट्रा, और नॉट रेडी लीग भी फिर पीछे हटने लगती है। ऑन द फेडरेशन क्वेश्चन, जो ऑल इंडिया संघ बनने की बात थी, प्रिंसेस रूलर्स अब वो उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना 1930 में फर्स्ट राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस में सपोर्ट करने लगे थे। वो इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब कांग्रेस ने सीडीएम वापस ले लिया है, बिकॉज द थ्रेट ऑफ एन इमीडिएट चेंज इन द सेंटर हैड डिमिनिश्ड नाउ दैट द कांग्रेस हैड कॉल्ड ऑफ इट्स मूवमेंट। पहले उनको ये था कि मूवमेंट चल रहा है, अब तो कांग्रेस ने मूवमेंट वापस ले लिया है, तो अब सेंटर में कांग्रेस मेजोरिटी में आ जाएगी ऐसा उम्मीद हमें कोई लगती नहीं है। तो अब वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जो फेडरेशन की जो बात थी वो इसलिए थी कांग्रेस मूवमेंट चला रही है, तो मूवमेंट बंद हो गया तो अब कुछ होना ही नहीं है, तो अब वो भी बहुत ज़्यादा फेडरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा यू कैन से एक्साइटेड नहीं है। दिस वे ऑल द ग्रुप्स विच वेंट इन टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन फैक्ट नेवर वॉन्टेड एनी रियल सॉल्यूशन, दे ऑल वर वॉन्टेड परपिट्रेशन और कंटिन्यूएशन ऑफ देयर ओन सेक्रेट एरियाज। उनके जो अपने अपने एरियाज हैं, अपने अधिकार हैं, उनमें कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। फाइनली दिसंबर 1 को फ्रस्ट्रेटेड होकर मैकडोनल्ड अनाउंस कर देता है, रिकमेंडेशन दे देता है कि इन पर रिकमेंडेशन देता है कि जो इंडियन फेडरेशन का कंपोजिशन क्या होगा, फेडरेशन तो बनेगी, फेडरल जुडिशरी का कंपोजिशन क्या होगा, किस तरीके से जो रियासतें हैं वो फेडरेशन को एक्सीड करेंगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे बांटे जाएंगे, अनाउंसमेंट ऑफ टू न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, ये तो जनवरी में पिछली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया था, रिएटरेट किया जाता है, दो प्रोविंस बनाए जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध, एंड सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी एंड 3 एक्सपर्ट कमेटीज ऑन फ्रेंचाइज फाइनेंस एंड स्टेट्स। ये सारी बातें उसने बोली हैं कि दो प्रोविंस बनेंगे जो मुस्लिम मेजोरिटी होंगे, साथ साथ एक इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी बनेगी भारतीय संविधान की जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन करने के लिए, और 3 एक्सपर्ट कमेटी बनेंगी 3 मुद्दों पे, वोटिंग, फ्रेंचाइज को लेकर, फाइनेंस को लेकर, स्टेट्स को लेकर। और अगर इन कमेटीज की रिपोर्ट आते आते आप लोग राजी नहीं होंगे तो मैं एक तरफा अवार्ड दे दूंगा, यूनिलेटरल अवार्ड इफ इंडियंस फेल टू एग्री, ये यूनिलेटरल अवार्ड दे देंगे अगर इंडियंस एग्री नहीं होते हैं, देन वी हैव टू गो फॉर ए यूनिलेटरल अवार्ड, एक तरफा फैसला दे दूंगा, ऐसा धमकी सी देकर उसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बंद कर दी है। इस तरीके से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बंद हो जाती है जब इंडियंस किसी भी मुद्दे पर राजी होने को तैयार नहीं है। सो दिस वॉज द थिंग फाइनली। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, इंडियन फेडरेशन बनने की बात है, अब उसमें रियासत को कितना अधिकार मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये सब बातें होती हैं। तो दिस वे बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीड नेशनलिस्ट डिमांड फॉर फ्रीडम, गॉट नहीं है, फॉर फ्रीडम ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएट ग्रांट टू डोमिनियन स्टेटस। यहाँ पर गांधी जी ने कहा है कि ठीक है, हमारी डिमांड सिर्फ ये है कि हमको तुरंत फ्रीडम दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनियन स्टेटस, इस पे गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बोला है। दिस वे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विदाउट एनी रियल कंक्लूजन केम टू एन एंड, लेकिन धमकी से मिल गई है, आप सब राजी नहीं होंगे तो दे दूंगा एक तरफा फैसला दे दूंगा, यूनिलेटरल अवार्ड इफ इंडियंस फेल टू एग्री। दिस वॉज यू कैन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो आज के हमने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड गांधी इरविन पैक्ट। तो अब हम पहुंच गए हैं दिसंबर 1932, गांधी जी केम बैक एम्प्टी हैंडेड, नथिंग ही कुड ब्रिंग आउट फ्रॉम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सुभाष बोस कमेंटेड, व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ सेंडिंग वन मेंबर डेलीगेशन कांग्रेस, गांधी जी शुड नॉट हैव बीन सेंड एज अ सिंगल मेंबर फ्रॉम कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी वापस आते हैं और जनवरी ए आने के एक हफ्ते के अंदर, इट इज दिसंबर 1931, गांधी जी और लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। मीनवाइल वेलिंगटन ने सारी प्रिपरेशन कर ली थी कि वो सारे ऑर्डिनेंसेस, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ बना लिए हैं, आते ही लागू कर देंगे ताकि आके गांधी जी अगर मूवमेंट शुरू करते हैं तो उसे हम शुरू होने पे ही दबा देंगे। तो गांधी जी आकर अनाउंस कर देते हैं लेट अस रिज्यूम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उससे पहले कि वो शुरू कर पाते उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और यरवदा जेल पूना में उनको भेज दिया जाता है। इस तरीके से 1932 से लेकर 1932 जनवरी से लेकर 1933 और 1934 तक चला है सेकंड फेज ऑफ राउंड टेबल, आई मीन दिस
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सेकेंड फेज इसका बहुत डल है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे और कंक्लूड करेंगे। तो ये जितने डिस्कशंस हुए हैं इसकी वजह से पास हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वो सब कैसे होगा ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए दिस मच इज सफिशियंट। इन नोट्स को बहुत ध्यान से देखिए, आप पढ़िए इनको, डाउनलोड कीजिए। ये आपके एग्ज़ाम की लेवल तैयारी को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के क्वेश्चन इससे 100% टैकल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स से ये नोट्स बनाए गए हैं। सो प्लीज़ बी अटेंटिव एंड टेक डाउन द नोट्स। जब तक कोविड नहीं ख़त्म होता है तब तक इसी मोड में हम रिकॉर्डिंग करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।